खेलते हैं क्रिकेट का, तो जो पब्लिक पसंद करती है, तो वेस्ट इंडीज अगर 2019 के वर्ल्ड कप में इस तरह से अगर आती है तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्रिकेट में चेंज आ जाएगा। अच्छा राशिद, एक चीज भी डैरन ने भी बात की कि कोटा ऑफ मैचेस कर देना चाहिए। इफ यू रिमेंबर व्हेन पैकर सीरीज केम वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट, इट वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एंड द पैकर, बट स्टिल इट डिडंट लास्ट बिकॉज टेस्ट क्रिकेट विदाउट द सुपरस्टार्स वाज लाइक अ प्रॉब्लम फॉर द बोर्ड, सो दे हैड टू रिकंसाइल। तो आपके इस तरह का रिकंसिलिएशन देख रहे हैं नाउ इन मॉडर्न टाइम्स of these franchise leagues and the individual cricket boards, because stars ke bagair there is no cricket. Dekhiye, cut nahi kar sakte, lekin humne pehle bhi ye baat ki hai ki ye T20 international jo color milta hai na wo na diya jaye. Aapki franchise cricket hai, maximum agar khele do do डेढ़ डेढ़ महीने की window khulti hai, India hai, Pakistan hai, Bangladesh hai, West Indies hai, Australia hai, तो वहाँ पे ये प्लेयर्स खेल सकते हैं, लेकिन किसी एक कंट्री के लिए तमाम कंट्री का रुक जाना वो गलत है। जैसे IPL में होता है तो वो कोई भी नहीं खेल रहा होगा, सिर्फ पाकिस्तान शायद कहीं बिजी हो या जिम्बाब्वे हो, तो इसी तरह से प्लेयर की अवेलेबल जो हो जाते हैं, मैक्सिमम प्लेयर्स IPL के लिए अवेलेबल है। लेकिन जब PSL हो रहा था तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था, न्यूजीलैंड भी बिजी था, उनके प्लेयर नहीं आ सकते, साउथ अफ्रीका बिजी था, तो ये चीज़ देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा, और नो डाउट ये डोमेस्टिक इवेंट है, लेकिन ICC से बात करनी पड़ेगी कि एक कंट्री को आप पूरी दुनिया की क्रिकेट रुकवा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान जब PSL खेलता है तो उस वक्त भी पूरे दुनिया की क्रिकेट रुकवा के PSL करवा सकते। अच्छा रजाक, इसमें आप क्या कहेंगे? बहुत वैलिड पॉइंट है कि व्हेन PSL वाज बीइंग प्लेड ऑल द प्लेयर्स बिजी लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, देवर इंग्लैंड, देवर प्लेइंग देयर इंटरनेशनल मैचेस, बट जब IPL आता है, वंस IPL इज बीइंग प्लेड, तो ये सारी क्रिकेट रुक जाती है, अदर देन जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के स्टेक्स नहीं है। डोंट यू थिंक के हेगेमनी इंडिया की बन गई है एंड ICC इज बीन डोमिनेटेड बाय द BCCI? बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया की बन गई है एंड ICC इज बीन डोमिनेटेड बाय द BCCI? बिल्कुल डेफिनेटली इंडिया की बन गई है एंड ICC इज बीन डोमिनेटेड। राशिद भाई ने कहा बिल्कुल सही है, जैसे PSL शुरू होता है तो इस तरह फिर दूसरे भी टूर्स होते हैं उनको भी रोकना चाहिए, क्योंकि ये भी एक T20 है, ये भी एक डेवलपिंग इवेंट्स है, तो इसमें भी चाहिए कि भैया ये भी एक डेवलपिंग इवेंट्स है, तो इसमें भी चाहिए कि भैया ये भी एक डेवलपिंग इवेंट्स है, तो इसमें भी चाहिए कि Well, I think you know, it's there's a famous saying: you mustn't kill the goose that lays the golden egg. And ICC is probably thinking like that, because as Abdul said, about 70% to 80% of the revenue for ICC comes from India. So there is a little bit of a balancing act that the ICC has to do. I think the landscape is evolving as well. So you know, there's been a lot of debate about the relevance of 50-over cricket and whether or not an ICC World T20 is suitable for this landscape, given the fact that there are so many third-party franchise competitions. So I guess in the next couple of years we will see how this all evolves. We are seeing adaptations being implemented to test cricket. Don't you think that it's eventually going to polarize the cricket boards? Because if you're going to focus on only one board, and if they are going to dominate even the future test playing programs, FTPs, and the windows being created for them, and the whole international cricket stops because IPL is starting, don't you think that it's eventually going to leave certain boards incensed and the cricket polarized? Yeah, I think that is one school of thought. The other is, you know, the fact that maybe this is the opening for other boards to get a window of opportunity to play their T20 competition, and if the ICC is to take control and regulate T20 cricket, then there might competition, and if the ICC is to take control and regulate T20 cricket, then there might competition, and if the ICC is to take test playing nations to make sure that there is no cannibalism, meaning, you know, tournaments eating each other off. We nearly saw that with the South Africa League and Bangladesh League. So those are the things that the ICC has to regulate, because at the end of the day, and Bangladesh League. So those are the things that the ICC has to regulate, because at the end of the day, and Bangladesh League. So those are the things that the ICC has to take a break. G, game on it. और डनगांगा भी हमें हमसे जुड़ा होंगे, फिर आएंगे रजाक, राशिद लतीफ़ और फिर अब मोहम्मद वसीम हमें ज्वाइन करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। गेम ऑन है।